विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? तो स्टूडेंट्स, हम लोग, आप जानते हैं कि हम लोग संज्ञा कर रहे थे हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वहाँ पर, और संज्ञा के हम लोग एक्सरसाइजेस कर रहे थे। तो मतलब पुनर्चर्चा से पहले हम लोग संज्ञा के एक्सरसाइजेस कर रहे थे। तो वो एक्सरसाइजेस जहाँ जिस अवस्था में है वहाँ से फिर से ऑफलाइन क्लासेस में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। आज जो है, जब हमारा लाइव क्लास हो रहा है, तब मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगी आपके व्याकरण के सिलेबस का, ठीक है? तो आज की तारीख क्या है? 6 तारीख है आज। और जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है लिंग, ठीक है? वो है लिंग। लिंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिंग को अंग्रेजी में कहते हैं जेंडर। ओके, लिंग को क्या कहते हैं? जेंडर। ओके, ठीक है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। ये आप लोगों को मैंने आप लोगों का टर्म का सिलेबस प्रोवाइड किया था, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट। तो उस सिलेबस का ये नेक्स्ट चैप्टर है संज्ञा के बाद। सभी अपने किताब की पृष्ठ संख्या 101 निकाल लीजिए और चैप्टर है 8, ठीक है? तो यहाँ पर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है? एक गद्यांश दिया हुआ है। आप लोग भी अपने किताबों को खोल लीजिए और मेरे साथ इस गद्यांश का पठन कीजिए। देखिए क्या है। आज वैशाली का जन्मदिन है, उसके माता पिता ने पार्टी का आयोजन किया है, दादा दादी उसके लिए सुंदर उपहार लाए हैं, ठीक है? फिर क्या है, कमरे के बीचों बीच रखी मेज पर सुंदर केक रखा गया है और केक उसका भाई लाया है, सभी के मुख पर प्रसन्नता दिखाई दे रही है। तो ये जो हमने गद्यांश पढ़ा बच्चों, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कुछ शब्द जो है रंगीन छपे हुए, कुछ शब्द रंगीन छपे हुए। तो ये रंगीन छपे शब्द क्या है? ये रंगीन छपे जो शब्द हैं, ये शब्द हमारे लिंग से जुड़े हुए हैं, जेंडर से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो शब्द हैं वे शब्द, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे शब्द संज्ञा शब्द हैं और ये लिंग के लिए हमारे यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इन जनरल अगर आपको लिंग की परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे? शब्द का वो रूप जो स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। शब्द का वह रूप जो स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमको दो शब्द मिलता है, एक तो स्त्री जाति, दूसरा पुरुष जाति। तो इसी आधार पर लिंग के दो भेद किए गए हैं, इसी आधार पर लिंग के दो भेद किए गए हैं। हाँ संचिता, थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। गुड मॉर्निंग ज्योइता, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एक्चुअली। तो लिंग के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, ठीक है? हाँ, गुड मॉर्निंग विनायक, ठीक है, गुड मॉर्निंग फ्रॉम एवरीबडीज साइड। ओके, अभी कुछ क्वेश्चन है तो टाइप कीजिए बेटा। गुड मॉर्निंग सबको। चलिए, तो लिंग के दो भेद हैं। पहला भेद है पुलिंग। ओके, पहला भेद है पुलिंग और दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। पुलिंग और स्त्रीलिंग। तो पुलिंग जो है वो पुरुष जाति वाले शब्दों का बोध करवाता है, पुलिंग पुरुष जाति के शब्दों का बोध कर...
हमारी जाति के शब्दों का बोध करवाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए हैं। तो पुलिंग और स्त्रीलिंग दो भेद हुए लिंग के, ये भी आप जान गए हैं। अब ये जो शब्द है, ये जो मतलब पुलिंग शब्द या स्त्रीलिंग शब्द, जब इनका प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो क्रिया के रूप में बदलाव आ जाता है। तो क्रिया के रूप में बदलाव आ जाता है, ठीक है। ये व्यवस्था केवल मात्र हिंदी भाषा के लिए ही है। ये भाषा जो है केवल, सॉरी, ये सिस्टम जो है केवल हिंदी भाषा के लिए है, जहाँ पर क्रिया के रूप में बदलाव आ जाता है। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। एक पुलिंग का एग्जांपल देते हैं। लड़का, उसी के एक स्त्रीलिंग का एग्जांपल देते हैं, लड़की, ठीक है, लड़का और लड़की। तो लड़का के लिए हम एक वाक्य बनाते हैं, लड़का गाना गा रहा है। लड़का गाना गा रहा है। लेकिन इसी का एक स्त्रीलिंग लिखते हैं, लड़की से एक वाक्य बनाते हैं। सेम वाक्य को हम लड़की के लिए प्रयोग करेंगे, लड़की गाना गा रही है, लड़की गाना गा रही है। तो लड़का गाना गा रहा है और लड़की गाना गा रही है। तो जहाँ पर शब्द के रूप में परिवर्तन आया, जहाँ पर लड़का से लड़की हो गया, वहाँ पर क्रिया भी बदल गया। गा रहा है, यहाँ पर गा रही है। तो ये जो रहा है और रही है का बदलाव आता है स्टूडेंट्स, ये क्रिया का जो बदलाव है, क्रिया यानी इंग्लिश में वर्ब, वर्ब यानी एक्शन वर्ड, यानी कि जो शब्द हम किसी कार्य को समझाने के लिए करते हैं, उनको जो है क्या कहते हैं, उनको कहते हैं क्रिया। तो ये क्रिया के पद में डिफरेंस आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो जैसे ही लिंग का परिवर्तन होता है, उसके उसमें शब्द के साथ साथ क्रिया के रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। इतना समझ में आ गया है आप लोगों को, ठीक है। अब है पहला भेद, हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, उससे पहले देख लेते हैं किताब में क्या दिया है। किताब में भी वैसे ही जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसी तरह से देखिए कुछ उदाहरण दिए हैं। बकरी घास चर रही है, बकरा घूम रहा है, रानी महल में बैठी है, राजा न्याय कर रहा है, डिब्बा बड़ा है, डिबिया छोटी है, एक्सेट्रा। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा लिंग का जो भेद है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पुलिंग। सबसे पहले पहला लिंग का भेद है पुलिंग। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें पुलिंग कहते हैं। ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें पुलिंग कहते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये विशेष बात नहीं है। विशेष बात ये है कि आप लोग देखेंगे, मैंने आप लोगों को एक उदाहरण जैसे मैं अभी दे रही हूँ, हिमालय एक विशाल पर्वत है, या हिमालय मैंने हिमालय का हिमालय पर्वत देखा, ठीक है। तो आपको कैसे पता चला कि हिमालय पर्वत जो है वो पुलिंग है, ये बात तो जानने की है। आप लिंग का निर्णय लड़का लड़की के लिए तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यदि मैं आपको लिंग का निर्णय किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए करने को कहूँ, तो आप कैसे करेंगे। यदि मैं कहूँ जनवरी का महीना, मैंने नहीं कहा जनवरी की महीना, तो मैंने जनवरी का महीना, अभी सितंबर चल रहा है तो मैंने बोला सितंबर का महीना, तो मुझे कैसे पता चला कि सितंबर के बाद का लगेगा, का यानी कि पुल्लिंग शब्द है सितंबर, ये
ये मुझे कैसे पता चला? क्या मुझे किसी ने बताया? देखिए, बात ये है कि इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए क्या किया है कि इन जो नॉन लिविंग थिंग्स के जो शब्द हैं इनमें भी लिंग का निर्धारण कर लिया है। कुछ शब्दों को पुल्लिंग की कैटेगरी में रख दिया है और कुछ को स्त्रीलिंग में रख दिया है। तो ये जो शब्द है, जैसे कि मैंने कहा जनवरी, जनवरी क्या है? जनवरी एक महीने का नाम है। तो जनवरी एक महीने का नाम है, जनवरी एक महीने का नाम है, ओके, जनवरी एक महीने का नाम है। तो जितने भी महीने के नाम हैं सारे नाम हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा आज इतवार है, कल सोमवार है, तो सोमवार का दिन मेरे लिए बहुत खास होता है। तो सोमवार के बाद भी मैंने का प्रयोग किया, क्यों किया स्टूडेंट्स? क्योंकि सोमवार वार का नाम यानी दिन का नाम भी पुल्लिंग है। तो इसी प्रकार से कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि दिनों के नाम, महीनों के नाम, पर्वतों के नाम, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे नाम होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। इसी तरह से हमेशा स्त्रीलिंग होने वाले भी शब्द हैं, लेकिन आज वक्त की कमी के कारण हमारे पाठ को हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। फिर अगले क्लास में मैं इसको डिटेल्स में बताऊंगी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, चलिए एक बार समअप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिंग किसे कहते हैं ये जाना, हमने लिंग के भेदों को जाना, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इसके अलावा हमने ये जाना कि लिंग के हिसाब से कैसे क्रियापद में परिवर्तन आ जाता है। जैसे ही हम लिंग बदलते हैं वाक्य में प्रयोग होने वाले क्रियापद में परिवर्तन आता है और कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग है, ठीक है। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।